इंदौर सिटी में स्थित गोकुलदास हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। कल हॉस्पिटल में 6 मौतें होने के बाद प्रशासन जागा और हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करने को मजबूर हुआ। चंद दिन पहले एक फौजी के परिवार से 76,600 रुपए इसी अस्पताल प्रबंधन ने ये कहते हुए ले लिए थे कि तुम पे जो बन सके कर लेना, अभी पैसा जमा करो। इंदौर के CMHO ने हॉस्पिटल के लाइसेंस निरस्त करने की जानकारी दी। क्या उसे सील कर दिया गया? कल जो वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद कलेक्टर महोदय के निर्देश पर मैं और हमारे साथ में 2 अन्य वरिष्ठ चिकित्सक गए थे और मौका पे हमने पूरी जांच की, दस्तावेज का पूरा अध्ययन किया और दस्तावेजों को हमने अपने सुपुर्दगी में भी ले लिया है। और वहाँ देखने पर ये प्राप्त हुआ कि कल पूरे दिन में वहाँ पर 6 मौतें हुई थी जो 6 घंटे के अंतराल में हो गई थी। पहली मौत सुबह 11:30 बजे के करीब हुई थी, इसके बाद शाम को 3:40 से लेकर 5:30 बजे तक यानी कि 1.25 घंटे में पुनः 3 मौतें हो गई थी। तो इनका जो भी कारण था वो पूरा अध्ययन किया जा रहा है और अध्ययन करने के पश्चात जो भी गलतियाँ निकलेंगी या जो भी उसमें कमियां पाई गई या जो भी लापरवाही पाई गई अकॉर्डिंगली हम लोग उस पर कार्य करेंगे। अभी क्या एक्शन लिया सर? वर्तमान में हमने उनके सारे जो पेशेंट का एडमिशन इत्यादि बंद कर दिया है, चूंकि वहां पर अभी 14 मरीज हैं, एक ICU में और 13 मरीज हैं एक ICU में और 12 जनरल। तो ICU मरीज की स्थिति को देखते हुए कल रात को इसको सील नहीं किया गया है, लेकिन उनको अस्थायी रूप से स्थगित लाइसेंस को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है ताकि वो अब आगे कोई भी नया एडमिशन ना ले। इन मरीजों की शिफ्टिंग कराने पे विचार किया जा रहा है, अभी जाके देखते हैं मरीजों की क्या स्थिति है, इसके बाद इन्हें मेडिकल कॉलेज में चाहे तो MTH कंपाउंड में या MRTB में या न्यू चेस्ट वार्ड में जहाँ उचित लगेगा वहाँ पर इनको हम शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने के पश्चात बाकी कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पिटल प्रबंधन अभी तक सामने आया बात करने? काफ़ी प्रयास के बाद भी उनसे कोई भी चर्चा नहीं हो सकी। जो प्रमुख लोग हैं उन लोगों के मोबाइल रात को बंद थे, मैसेज दिया गया उनको कि जब भी वो मोबाइल चालू करें तो कृपया कॉल करें, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई। ग्रीन कैटेगरी में आने अथवा येलो कैटेगरी में होने से